हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्लास एव्स को, दैट मींस बर्ड को। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया को। क्लास मैमेलिया में सबसे वेल डेवलप्ड एनिमल्स पाया जाता है। इस ग्रुप में हम लोग भी आते हैं। मैमेलिया ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं। हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम मैमल्स ही होते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हम ह्यूमंस हो गए, उसके बाद काउ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। मेरे लिए कैट बनाना इजी था इसलिए मैंने डायग्राम में कैट को बनाया है। देन गोट, बफेलो, रैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है और ये मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चे के लिए। मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही इस क्लास का नाम मैमेलिया पड़ा। जनरली मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। हम मैमल्स जो है हम अपने बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं। इसके पहले हम लोग जो भी एनिमल्स पढ़े हैं वो क्या करते थे? वो पहले एग ले करते थे। एग जब फूटता था तो उससे या तो लार्वा निकलता था या फिर बेबी एनिमल निकलता था। बट वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। प्लैटिपस एंड एकिडना ये एग ले करते हैं। ये दोनों मैमल्स होते हुए भी एग ले करते हैं। कंगारू भी मैमल्स है और ये यंग वन को बर्थ देता है, लेकिन ये वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देता है। इसीलिए आप देखोगे कि कंगारू के बॉडी में लोअर पोर्शन में एक पाउच होता है जिसमें वो अपने पुअरली डेवलप्ड बेबी को रखता है। वो वहीं से मिल्क सक करता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। जब तक कि वो बेबी फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता, कंगारू अपने बेबी को अपने बॉडी से अलग नहीं करता है, अपने पाउच से बाहर नहीं निकालता। मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर होता है जिसको कि पिन्ना कहते हैं। ये है पिन्ना, ये है पिन्ना। इनकी बॉडी या तो हेयर से कवर्ड होती है या फिर फर से कवर्ड होती है। हमारे बॉडी के ऊपर थोड़ा कम हेयर पाया जाता है, लेकिन याद करो दूसरे मैमल्स के बॉडी के ऊपर अच्छा खासा हेयर पाया जाता है। स्किन में स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। इसी ऑयल ग्लैंड की वजह से हमारा स्किन ऑयली रहता है और ये स्वेट ग्लैंड की वजह से हमको पसीना आता है। आईलिड्स मूवेबल होता है। यह है आईलिड्स, देखो मूवेबल है ना। सभी मैमल्स टेरिस्ट्रियल होते हैं, मतलब वो लैंड पर रहते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल वेल। और सिर्फ एक एरियल होता है, मतलब हवा में उड़ता है, और वो है बैट। चमगादड़, चमगादड़ एक लौता मैमल है जो कि हवा में उड़ता है। इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होता है और ये हेल्प करता है वॉकिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में। हम लोग वॉक करते हैं, बंदर क्लाइंब करता है, रैबिट एंड रैट बरो बनाता है। वेल अपना लिम्ब को यूज करता है स्विमिंग में एंड बैट अपने लिम्ब को यूज करता है फ्लाइंग में। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स होता है। इनका हार्ट फोर चेम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल। ये फोर चेम्बर हार्ट तो क्रोकोडाइल से ही इवॉल्व हो गया है। सभी मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। जो एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज ना करे,
उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स ही वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैमल्स का तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमारे बुक में प्लैटिपस, एकिडना, कंगारू, वेल, बैट, रैट एंड ह्यूमंस दिया हुआ है। इनमें से उन मैमल्स के रियल इमेजेस को देख लेते जो हमारे आसपास नहीं पाया जाता है। ये है प्लैटिपस, ये है एकिडना, ये है बैट। मैमेलिया में इतना ही पढ़ना है और अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। सभी मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, इसकी वजह से इस क्लास का नाम मैमेलिया पड़ा। मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और मैमल अपने बच्चे को ये मिल्क फीड कराती है। प्लैटिपस एंड एकिडना को छोड़कर सभी मैमल्स अपने यंग वन को बर्थ देती है। सभी मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है, इनका बॉडी हेयर या फर से ढका होता है। स्किन में स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स पाया जाता है। आईलिड्स मूवेबल होती है। ये छह कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स पाया जाता है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स वेल डेवलप्ड होता है। इनका हार्ट फोर चेम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। हमारे बुक में इनका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, प्लैटिपस, एकिडना, कंगारू, वेल, रैट, बैट एंड ह्यूमंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।